उपस्थित विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री के रूप में अभी कई देशों की विजिट करके वहां दौरा करके आई ऐसी हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से ही वो सांसद भी है और हमारे प्रदेश के महामंत्री इस कार्यक्रम के देखरेख करने वाले ऐसे हमारे भाई हर्ष मल्होत्रा जी, साउथ इंडियन सेल जो पहले 4 साउथ इंडियन सेल के रूप में जाना जाता था अभी तमिल सेल के रूप में ऐसे कन्वीनर बने हमारे मुथु स्वामी जी, उनका भी अभिनंदन है। हमारे को कन्वीनर दंडापानी जी और पी संजय कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और हमारी पार्टी की कारपोरेटर तुलसी जोशी जी और मनीष अग्रवाल जी और यहाँ पर तमिल सेल के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि दिल्ली देश का दर्पण है और रिफ्लेक्शन होता है। जब भारतीय जनता पार्टी पहले हम लोग साउथ इंडियन सेल नाम से बनाते थे, आज मैं मुरगन साहब को बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर साउथ इंडियन सेल को सभी स्टेट वाइज बनाया है और तमिल सेल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम अलग अलग सेल बनाकर सबको रिप्रेजेंटेशन पार्टी में मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने पहल की है। तमिल संस्कृति बहुत पुरानी है और मुझे जहां तक ज्ञान है तमिल भाषा इस पृथ्वी की सबसे पुरानी भाषा है। एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द अर्थ ये तमिल है। मुझे ये जानकारी मिली है, कहते हैं कल तोंद्री मन तोंद्रा, कल तोंद्री मन तोंद्रा, कालाथई मुन्न तोंद्राई, मुत्तमोली तमिलकम वीरम नरेंदा तमिल मनुकम एन अनवांदा सगोदरा सगोदरी गले एन्नधु मुद्दु करन वैन्य कथई तेरु विक्की कोली के। तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, तमिल के लोग, तमिलनाडु पूरे विश्व के अंदर उन्होंने एक नई पहचान और जहां जहां वो विश्व में गए वहां उन्होंने कभी भी अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को, अपने गुरुओं को और अपने इष्ट देवताओं को कभी भी भूला नहीं है। और दिल्ली के लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की है कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तमिल सेल बनाकर तमिलनाडु के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और तमिलनाडु से बहुत सारे लोग, नए लोग बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली से तमिल सेल बनाकर दिल्ली से हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देश के अंदर एक संदेश देने वाले हैं तमिलनाडु में। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो उन्होंने अभी नया अपना कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है उसमें हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की सरकार में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, आज तक कभी इतिहास में किसी सरकार ने नहीं बनाया 27 ओबीसी मिनिस्टर्स और इसके साथ साथ 11 यानी 11 नारी शक्ति को मंत्री बनाकर, जिसमें मीनाक्षी जी भी है, ऐसी नारी शक्ति को मंत्री बनाकर पहली बार उनको सत्ता की चाबी दी है, पावर दी है। और ऐसे ही 12 शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति समाज के लोगों को
सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। ट्राइबल को भी, माइनॉरिटीज को, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, उसको साकार किया है। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, लेकिन आज जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, जो कार्यक्रम है, जो सोच है, वो है नॉर्थ और साउथ, नहीं नॉर्थ साउथ हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, चेन्नई हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, या गांधीनगर हो, उड़ीसा हो, कोई भी देश का हिस्सा हो, पूरा देश भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और पूरा देश उनके साथ है। मैं आज इस तमिल संगम के सभागार में पुनः हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय एल मुरुगन जी का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, जो आज उन्होंने यहां आके दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार किया है और हमें ताकत दी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाषी लोग रहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी ने एक प्रोग्राम चलाया है और ये प्रोग्राम है, हम 500 मीटिंग्स करेंगे उन इलाकों में जहां पर हमारे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, उन तक हम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी के संदेश को, पार्टी के संदेश को, पार्टी के कार्यक्रमों को वहां तक पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, हमारे अध्यक्ष जी का इतना अच्छा सुंदर भाषण, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारी बहन केंद्रीय मंत्री, उनको एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना अनमोल भाषण हमें देके आगे बढ़ाए। उससे पहले मैं दो शब्द कहना भूल गया था, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारोनम शिवा के से उनकी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, वेलकम उनसे धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम, अच्छी संख्या अपने को लेके आए, हृदय से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मीनाक्षी देवी, जोरदार तालियों वाले के उनके क्षेत्र में, उनके संसद में बैठे हैं। एंड्रू तमिल जन आशीर्वाद सम्मेलन निगल चिक्कू एरनु विरुदेरंगा इमाई एंड्रू अलाई कमलु मेकू नंद्री मिदाइली अमांदिकुकम सगोद्रा थिरु एन मुरुगन मात्रम आदेश जी एक बंदकन बानकन। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे नाम में मीनाक्षी शामिल है और दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय को मैं फर्क नहीं मानती। मुरुगन जी मेरे साथ ही MOS इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में मंत्री है और आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से टैलेंट को सराहाया जाता है। मुरुगन जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के और अभी केंद्र में मोदी जी ने इन्हें चुनकर और सीधे अपने हाथ से इनको मंत्रालय दिया है, वो हमारी पार्टी की ताकत बताता है। कितने मंत्री शांतिपूर्वक ढंग से चले गए, नयों को मौका दिया गया, पुरानों की जो व्यवस्था है उनकी गाइडेंस पार्टी को लगातार मिलती रहे और बड़े लोग अपने ही छोटे बच्चों को जैसे पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमारी पार्टी में सीनियर्स जो है जूनियर्स की देखभाल करते हैं। ये हमारी पार्टी की ताकत है, क्षमता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद तक पहुंचने की आप अंदाजा लगाइए कि वो कार्यक्षमता के आधार पर
मौका दिया जाता है, ये हमारी पार्टी की ताकत है। और जिस पर कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ कुछ बोलता झगड़ा नहीं करता है, बल्कि सब लोग एक दूसरे का साथ देते हुए और सबका साथ सबका विकास यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे मेरे भाई मुरुगन जी, जिन्होंने अथक प्रयास और मेहनत के बाद इस पद को पाया है, मैं अपने क्षेत्र में आपका बहुत 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 हृदय से स्वागत करती हूँ। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई ब्रदर श्री मुरुगन जी इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड दिस इज एन ऑनर फॉर मी दैट द कम्युनिटी, द तमिल कम्युनिटी ऑफ द एरिया इज हियर टू फेलिसिटेट हिम। माई वॉर्मेस्ट वेलकम एंड ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर यू। This only depicts the hard work is recognized in the party. People who are bound by the party discipline and respect their elders and respect their juniors are the ones who are constantly recognized, and everyone has a space and place in their duty charter, and thus Bharatiya Janata Party is a true political party which recognizes talent and worthiness of people. भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कि सब लोगों का मान सम्मान का ध्यान रखती है, बड़े छोटों का आदर सत्कार करती है और सबको उनकी क्षमता अनुसार कार्यभार देने का भी काम करती है। किसी भी पार्टी में इस प्रकार के कार्यकर्ता नहीं होते जैसे भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हम लोगों का कमिटमेंट आइडियोलॉजी के साथ है। All of us are committed to ideology, and that is the binding force which keeps us all together. Thus, on behalf of Bharatiya Janata Party, RK Puram, I welcome you all and welcome Sri Murugan ji again, once again. आप सब लोग जोर से ताली बजाकर स्वागत कीजिए मुरुगन जी का। दंडा पाली जी, संजय कुमार जी, हर्ष भाई और मुथु स्वामी, उपस्थित मेरे जितने भाई बहन हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, एक दूसरे का आदर मान सत्कार करते रहे। और मैं ये बात कई बार कहती हूँ, एक बार और दोहराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है उसमें कार्यकर्ता भाव से प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता भाव से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अपने आप को प्रधान सेवक कहते, कुछ और नहीं कहते, प्रधान सेवक है। और उनका आदेश है कि हम सब भी जनता के सेवक ही यहाँ बैठे हैं और जनता की सेवा करते रहे, देश भारत माता की सेवा करते रहे लगातार, जिसके हिस्से जो जो काम आता है उसको ईमानदारी से पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी बोलूंगी सब लोग यह बोलेंगे, पहले भारत माता उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय। अरे भाई तुम लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? हाँ हाथ खड़ा करना है सबको। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं निकलूंगी, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं। उसका कारण है कि मेरा 7 बजे एक और कार्यक्रम लगा हुआ है जिसके लिए मुझे जाना है। मैंने ये समय 5 से 6 रखा था, थोड़ा जैसे चला कार्यक्रम, तो मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे और स्पेशली मुरुगन जी से, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आप हैं और मैं आपसे पहले निकल रही हूँ, लेकिन माफी के साथ क्योंकि कहीं पहुँचना है। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, जय हिंद।